ऑल ओके ओके। हेलो गाइस, माय नेम इज सोम सिंह एंड आप देख रहे हैं सिंपल ड्यूड। सो आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन स्क्रीन फोटोग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े यूट्यूबर जो भी थंबनेल बनाते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अडोबी फोटोशॉप और अडोबी लाइटरूम, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब स्टार्टअप के लिए जो भी यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप बहुत आसान तरीके से ग्रीन स्क्रीन फोटोग्राफी, थंबनेल्स और भी बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ कर सकते हैं क्रिएट और बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ। सो आज मैं अपनी वीडियो बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब एक सिंपल ट्रिक जो मैंने खुद से डिस्कवर की, उसको आप देखिए और बताइए कैसा लगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए एंड चलिए आप चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा हमारा इंटरफेस। सो मैं आपको ग्रीन स्क्रीन फोटोग्राफी के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा ग्रीन स्क्रीन वीडियो होता है सिमिलरली, वैसे ग्रीन स्क्रीन फोटोग्राफी यूज होती है। जैसा कि आप बड़े यूट्यूबर्स को देखते होंगे, उनके इतने अच्छे थंबनेल्स आप देख सोचते होंगे, इतना अच्छा बैकग्राउंड कहाँ से आता होगा। फिर आज मैं इसीलिए आपके लिए लेके आया हूँ अपना ये स्पेशल वीडियो, जो कि आपके बहुत हेल्पफुल हो सकता है एंड इसमें बहुत सी ट्रिक्स हैं जो कि आप पहले कभी नहीं देखा होगा कहीं भी। मैं स्पेशली खुद से डिस्कवर किया, सो मैं सोचा यहाँ आपको शेयर कर दूँ जिससे आपका भी फ़ायदा हो और सबका। सो सबसे पहले हम आपको करके दिखाते हैं हाउ इट्स डन। इसके लिए सबसे पहले आपके पास कोई सा भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एडिटिंग सॉफ्टवेयर। सो देखते हैं हमारा, जैसा कि आप इंटरफेस देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमने कोई अपनी एक फ़ोटो चूज़ कर ली और कोई बैकग्राउंड इमेज जैसा कि आप नेट पे मिल सकता है कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसको हमने स्लाइड पे अपनी स्क्रीन, जो भी ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन, कोई भी पीछे आपके स्क्रीन होने चाहिए, जैसा कि आप अपना वॉल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई क्लॉथ लगा सकते हैं जो कि बस सिंगल कलर में होना चाहिए। सो गाइस, देखते हैं अब आगे। जैसा कि ये रहा हमारे पास अपना बैकग्राउंड इमेज, ये ध्यान रखिएगा जैसा मैं कर रहा हूँ सिमिलरली वैसा ही करें आप भी, तभी हो पाएगा एकदम अच्छे से। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरी फ़ोटो, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा फ़ोटो पीछे ब्लू स्क्रीन के साथ, या फिर क्लॉथ कह सकते हैं आप। वैसे तो ये नायलॉन शीट्स ही मैंने यूज़ की। मैंने ये वीडियो इस वजह से बनाया, जिसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट को नहीं है, जिसके पास एक भी रुपये नहीं, वो भी कम से कम अगर इक्विपमेंट्स हो तो कर सकता है ये फोटोग्राफी। जैसा कि आज के ज़माने में हर चीज़ सस्ता है, ये जानते हैं। सो गाइस, देखते हैं कैसे होता है, आप फॉलो करिएगा मुझे, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तभी हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोमा की यूज़ करेंगे यहाँ से फिल्टर में, जो मैं फिल्मोरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। सो ये हमारा एक बार में ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पहले से हो चुकी है मस्त, बैकग्राउंड एकदम देख सकते हैं पूरा चेंज हो गया। एंड इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ तक तो करना बहुत ही आसान था, आपने भी कई बार किया होगा, बट मैं जो आगे ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत कम लोग को पता होगा। देख सकते हैं ये मेरा स्क्रीन कितना सही लग रहा है, एकदम बहुत अच्छा। एंड चलिए अब कैसे इसको करते हैं फोटोग्राफी में चेंज। जैसा तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो चल रहा है, ये खुद ब खुद ही 5 सेकेंड्स का एडिटिंग सॉफ्टवेयर अपना बना चुका है। तो इसको फोटोग्राफी में कैसे चेंज करें, सबसे पहले आपको इस स्लाइड को बहुत छोटा बना देना है 1 सेकेंड का, ये 5 सेकेंड डिफ़ॉल्ट था। तो देख सकते हैं आप, मैंने 1 सेकेंड का ये ये 1 सेकेंड का बन चुका है। देख जैसा कि देख सकते हैं आप, फ्रेम्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, और इसको यहाँ पे आपको मैच कर लेना है ग्रीन स्क्रीन मीडिया के साथ, कि थोड़ा अगर एजेस बहुत ज़्यादा वो ना हो और आप के फैदर्स भी थोड़े कम ही हो, तभी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और बाकी सब खुद बखुद फोटो इन्हेंस कर सकते हैं आप। या फिर और अमाउंट में एडिट करना चाहते हैं तो आप 3D ल्यूट यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि कोई मूवी का, जैसे कि मैंने बैटमैन यूज़ किया, तो जो भी आपको सूटेबल लगे। 007 सीरीज़ ये थोड़ा गोरा बना दे रहा है, अलग फिल्टर्स हैं ये, स्टार वॉर्स थोड़ा डिम हो गया, वॉकिंग डेड का देखते हैं हाँ थोड़ा ये, बट अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड हमें चूज़ करना पड़ेगा जो ज़्यादा बढ़िया हो। मिशन इम्पॉसिबल, हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है वाइट वाइट। अब जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये रहा मेरा फोटो, जैसा देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं फोटो की बात कर रहा हूँ अपने बैकग्राउंड और इसके बारे में। आप कोई सा बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको एक और बैकग्राउंड चूज़ करके दिखा देता हूँ। थोड़ा मिलने में मुश्किल हो रही है, ये रहा हमारा अच्छा सा बैकग्राउंड। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, और जैसा कि ये रहा मेरा अच्छा सा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। आप देखते हैं, आप कोई सा भी, मैंने डाउनलोड कर रखा था पहले इस वजह से। ये देखिए, बहुत से यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं पीछे लाइट ग्रे, जो कि बहुत अच्छा लगता है। सो मैं इसको ही रहने देता हूँ। आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। चलिए अब मेन मैटर बताता हूँ कैसे अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो का पार्ट ही आप ज़रूर देखें। इसको हम लोग जिफ में एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ना कि MP4 में। ध्यान से देखिए, जिफ होना चाहिए, और ये बहुत ध्यान से आपको क्लिक करना होगा। देखिए, जिफ पे मैंने क्लिक किया, और इसके देखिए 1.1 MB का है। 1 सेकेंड का जिफ बनाएंगे सबसे पहले। इसको एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। ये थोड़ा लो एंड पीसी, इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। सो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, जब तक होता है तब तक हम वेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ये रहा हमारा फाइंड टारगेट, उसके जगह पे जाते हैं। तो चलिए, ये सो गाइस, ये रही हमारी फाइल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसका नाम पढ़ सकते हैं आप, myvideo.gif। जैसा कि ये फाइल GIF में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा JPG, जो कि इमेज की फ़ाइल होती है। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये रही मेरी ट्रिक। इस सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, फिर ये जो GIF लिखा हुआ है इसको चेंज करेंगे JPG में। अब ध्यान से देख लीजिए, ये JPG होना चाहिए, और ओके पे क्लिक करेंगे। फिर ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जो कि आपको कहेगा इफ़ यू चेंज फाइल नेम एक्सटेंशन, द फाइल माइट बिकम अनयूजबल, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू चेंज इट। तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और ये JPG में जैसा कि आप देख सकते हैं कन्वर्ट हो चुकी है हमारी ये फाइल। और ये रहा हमारा ग्रीन स्क्रीन वाला फोटोग्राफी का नया ट्रिक। देख रहे हैं आप कितना सही लग रहा है। सो गाइज, अब हम देखते हैं, बट इसके लिए प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। आप जब भी इसे कुछ करेंगे तो ये आपको करप्टेड दिखाएगा। तो इसके लिए आप कोई सा भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एडिट कर सकते हैं, अपने फ़ोन से एडिट, या कोई फ़िल्टर भी लगा देंगे तो वो करप्ट जो भी होगा करप्शन हट जाएगा। गाइज, हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे, आपको अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और भी ऐसे ट्रिक्स के लिए आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें, जिससे कि मैं मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए नए ट्रिक्स के लिए वीडियो लेके आते रहूं। और जो भी आपको सजेशन आप दे सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।